ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ पीसीडी नंबर 1141, क्लैरिफाइड ऑन 31 जुलाई 2009 एट हैदराबाद। शांति। वाणी चल रही थी 18 अगस्त 1968। ओम शांति। द वाणी ऑफ द 18th August 1968 वॉज बींग नरेटेड। तीसरे पेज के आदि में बात चल रही थी, ये ज्ञान की समझने की बातें हैं। द टॉपिक वी वर डिस्कसिंग इन द बिगनिंग ऑफ द 3rd पेज वॉज These are the concepts of knowledge that are to be understood. ऐसे तो शास्त्रों में भी ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। As such, they have written such things even in the scriptures. जो पढ़ते पढ़ते शिव बाबा के साथ ट्रेटर बन गए हैं। By reading which, they have become traitors to Shiv Baba. पूरे नास्तिक बन गए हैं। दे हैव बिकम कंप्लीट एथिस्ट। कितनी निंदा कराई दी है। दे हैव डिफेम्ड हिम अलॉट। तुम बच्चों को भी कब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यू चिल्ड्रन शुड नेवर बिलीव इन हियरसे ईदर। अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बातें सुननी नहीं चाहिए। यू शुडंट लिसन टू द आइडियाज ऑफ ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन। बाप से पूछो कि ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आस्क द फादर, ही सेज सच थिंग्स। ऐसे ऐसे कहते हैं। ही सेज सो एंड सो। ये बात क्या सत्य है? इज इट ट्रू? तो बाप बताए देंगे, समझाए देंगे। देन द फादर विल टेल यू व्हाट इज करेक्ट। ही विल एक्सप्लेन टू यू। नहीं तो बहुत झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। अदरवाइज देर आर मेनी हु डोंट टेक टाइम इन मेकिंग फॉल्स स्टोरीज। झूठी झूठी बातें सुना करके औरों की दिल ही खराब कर देते हैं। दे स्पीक लाइज एंड जस्ट अपसेट अदर्स हार्ट। फलानी ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा है। सो एंड सो पर्सन हैज सेड दिस फॉर यू। ऐसे बोल करके बुद्धि खराब कर देंगे। दे विल से लाइक दैट एंड स्पॉइल द इंटेलेक्ट। शास्त्रों में भी व्यास की झूठी झूठी बातें सुनकर मनुष्य खाक हो पड़े हैं। पीपल हैव बिकम यूजलेस बाय लिसनिंग टू द फॉल्स स्टोरीज रिटन बाय व्यास इन द स्क्रिप्चर्स एज वेल। बाबा जानते हैं कि ऐसे तो दुनिया में बहुत होता है। बाबा नोज दैट दिस हैपेंस अ लॉट इन द वर्ल्ड। उल्टी सुल्टी बातें सुना करके दिल को खराब कर देते हैं। दे अपसेट अदर्स हार्ट बाय नरेटिंग रॉन्ग थिंग्स टू देम। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुन करके अंदर में जलना नहीं चाहिए। पूछो। दिस इज बाय You should never become enraged from within by listening to false stories. Ask them. Phalani ne tumse mere liye aise aise kaha hai. Has so and so person said this to you about me?
सफाई हो जानी चाहिए। इट शुड बी क्लियर। नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर भी दुश्मनी रख लेते हैं। अदरवाइज पीपल डेवलप एनमिटी इवन ऑन हियर से। अभी बाप मिला है। नाउ यू हैव फाउंड द फादर। तो बाप से पूछना चाहिए ना। सो यू शुड आस्क द फादर, शुडंट यू? ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों का विश्वास नहीं रहता है। मेनी चिल्ड्रन डोंट हैव फेथ इवन इन ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। दे फॉरगेट शिव बाबा टू। ऐसी ऊंचे ऊंचे हस्तियों को भी भूल जाते हैं। दे इवन फॉरगेट सच हाईएस्ट ऑफ द हाई पर्सनैलिटीज। ऐसी दुर्दशा तो नहीं कर लेनी चाहिए। यू शुडंट रीच सच बैड कंडीशन। दुर्दशा तो पहले से ही हुई पड़ी है। You have already reached a bad condition. ऐसे फिर जाकर के वहाँ क्या बनेंगे? What will such children become after going there? एक दो की बातें सुनकर के नुकसान करना, ये तो ट्रेटर का ही काम है। To bring harm by listening to each other, that is certainly the task of a traitor. ट्रेटर का ये धंधा है। दिस इज द बिजनेस ऑफ अ ट्रेटर। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वो तो सदैव सर्विस में ही लगे रहेंगे। द सर्विसेबल चिल्ड्रन विल ऑलवेज बी एंगेज्ड ओनली इन सर्विस। बाबा के पास सर्विसेबल बच्चों के समाचार तो आते हैं ना। द न्यूज ऑफ द सर्विसेबल चिल्ड्रन डस रीच बाबा, डजंट इट? दूतियां ऐसे ऐसे खराब काम करती हैं। द चीटर्स परफॉर्म सच बैड टास्क। झूठी बातें सुना करके औरों की भी दिल खराब कर देती है। दैट दे इवन अपसेट अदर्स हार्ट बाय नरेटिंग फॉल्स स्टोरीज टू देम। बाप तो आए ही हैं सबको ऊंचा बनाने के लिए। The father has definitely come to elevate everyone. तो प्यार से बच्चों को उठाते रहते हैं। So he keeps uplifting the children with love. बच्चों को ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। The children should seek the opinion of God. बाबा से पूछेंगे तो जवाब ठीक ही मिलेगा। If you ask Baba, you will definitely get a proper reply. अगर निश्चय ही नहीं होगा, इफ यू डोंट हैव फेथ इट सेल्फ, पूछेंगे ही नहीं, इफ यू डोंट आस्क द फादर एट ऑल, तो फिर जवाब कैसे मिलेगा? हाउ विल यू रिसीव अ रिप्लाई? बाप जो समझाते हैं उन बातों को धारण करना चाहिए। यू शुड असिमिलेट द टीचिंग्स दैट द फादर एक्सप्लेन्स। क्योंकि विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त तुम बच्चे बने हो। इट इज बिकॉज यू चिल्ड्रन हैव बिकम इंस्ट्रूमेंट्स टू एस्टैब्लिश पीस इन द वर्ल्ड। वो भी श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करते हो। दैट टू यू एस्टैब्लिश पीस इन द वर्ल्ड ऑन श्रीमत। दुनिया में और कोई कीमत तो ऊंचे ऊंचे है ही नहीं। नो वन एल्सेस ओपिनियन इन द वर्ल्ड इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई एट ऑल। ऊंचते ऊंच भगवान की ही ऊंचते ऊंच मत है। ओनली द डायरेक्शन ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द हाई गॉड इज द हाईएस्ट। मर्तबा भी कितना ऊंचा है। हिज पोजीशन इज आल्सो सो हाई। बाप तो ऊंचते ऊंच बनाते हैं। द फादर सर्टेनली मेक्स यू द हाईएस्ट ऑफ द हाई। कहते हैं ही सेज कि अपना ही कल्याण करके ऊंच पद पाओ। अटेन अ हाई पोजीशन ओनली बाय बेनिफिटिंग योर सेल्फ। महारथी बनो, बिकम अ ग्रेट वॉरियर। अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पावेंगे?
इफ यू डोंट स्टडी एट ऑल व्हाट पोजीशन विल यू अटेन। ये तो जन्म जन्मांतर है, कल्प कल्पांतर की बाजी है। इट इज अ गेम ऑफ मेनी बर्ड्स एंड मेनी साइकिल्स। बच्चे जानते हैं, द चिल्ड्रन नो, कि दास दासियां भी तो नंबर वार ही होंगी ना। That the servants and maid servants will also be number wise, won't they? और बाप तो ऊंच बनाने के लिए ही आए हैं। And the father has definitely come to make them high. परंतु फिर भी पढ़ते नहीं हैं। तो क्या पद पावेंगे? Still they don't study. So what position will they attain? प्रजा में भी ऊंच नीच पद तो होते हैं ना? There are certainly high and low positions among the subjects too, aren't there? ये बुद्धि से समझना है। You have to understand this through the intellect. इसलिए समझाया है। This is why it is explained. कि 16,000 जो राज परिवार में आने वाली आत्माएं हैं, उनमें ऐसे बहुत हैं। There are many of such ones among the 16,000 souls who come in the royal family. जिनसे भी ऊंच पद प्रजावर के फर्स्ट क्लास साहूकार पा लेते हैं। Compared to whom the first class rich of the subject category attain a higher position. साहूकारों में भी कोई फर्स्ट क्लास साहूकार होते हैं। There are some who are first class rich among the rich as well. राजाओं महाराजाओं को भी सहयोग कर देते हैं। They even help the kings and emperors. इतना तो ऊंच मर्तबा होता है। They have such a high status. कोई फिर थर्ड क्लास साहूकार होते हैं। Some are third class rich. तो फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा। So there are the first class subjects, the second class subjects and the third class subjects. Fourth class praja bhi hoti hai. There are fourth class subjects too. Ye sab buddhi se samajhna hai. You have to understand all this through the intellect. Ekdam bhains buddhi nahi banna chahiye. You shouldn't become the one with a complete buffalo like intellect. ऐसे तो इस समय सारी दुनिया ही भैंस बुद्धि है। As a matter of fact, the entire world is the one with a buffalo-like intellect at present. इनको कुछ भी पता नहीं पड़ता है कि हम कहाँ जाते हैं। They just don't understand anything where they are going. ऊपर जाते हैं व नीचे उतरते जाते हैं। आर दे असेंडिंग और डिसेंडिंग कंटिन्यूअसली? भैंस बुद्धियों को तो कुछ भी पता नहीं पड़ता। दोस विथ अ बफलो लाइक इंटेलेक्ट डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एट ऑल। बाप आकर के समझाते हैं। द फादर कम्स एंड एक्सप्लेन्स। अंधो, ओ ब्लाइंड वंस, तुम तो नीचे ही उतरते जाते हो। You just keep descending. फिर भी देखो घमंड कितना है। Still look, you have so much ego. भैंस बुद्धि अर्थात जिनावर। The one with a buffalo like intellect means an animal. जंगली जिनावर भी होते हैं ना? There are wild animals too, aren't there? ऐसे ऐसे जंगली जानवर होते हैं, मनुष्यों का भी मांस खा लेते हैं। There are such wild animals who eat even human flesh. आगे तो काली पर मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते थे। Earlier they used to sacrifice even human beings to Kali. समझते थे कि जितना ही छोटे बच्चे की बलि होगी उतनी ही स्वादिष्ट होगी। They used to think, the younger the child is, the more delicious the offering will be. यहाँ ज्ञान में छोटे बच्चे कौन हुए? Who are young children here in the knowledge?
है? जो नए नए ज्ञान में आते हैं सात्विक स्टेज में होते हैं। Those who come new in the knowledge and are in the sattvic stage. ज्ञान भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान चार अवस्थाओं से गुजरता है। Even the knowledge passes through the four stages. सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान एंड तमो प्रधान। तो भक्ति मार्ग में भी ये मान्यता चलती है। So, this belief continues in the path of bhakti as well. कि जितने छोटे बच्चे की बलि देंगे उतनी ज्यादा स्वादिष्ट होगी। That the younger the child is, the more delicious the offering will be. छोटे बकरे का भी मांस नरम होता है ना? The flesh of a young lamb is also soft, isn't it? आगे जब महात्मा बुद्ध आए थे, Earlier, before Mahatma Buddha came, उन्होंने आकर के जब अहिंसा का पाठ पढ़ाया था and taught the lesson of non-violence, उससे पहले तो छोटे बच्चों की ही बलि चढ़ाते थे। They used to sacrifice only the young children. और वो ही फिर महाप्रसाद समझ करके बांटते थे। And they distributed that itself as Mahaprasad, meaning great prasad. That is the food offered to the idols of the deities. ऐसे ये आदम खोर मनुष्य ठहरे ना? Those human beings were such cannibals, weren't they? तो बाप बैठ समझाते हैं। So the father sits and explains. कि तुम तो आदम खोर बन गए हो। You have become cannibals. कैसे? How? कोई की सेवा की, You served someone. ज्ञान सुनाया, Narrated him the knowledge. फिर ज्ञान सुना करके उनको अपना बना लिया। And made him yours after narrating the knowledge. भगवान का वारसदार, भगवान का बच्चा, भगवान का भक्त तो नहीं बनाया। You didn't make him the heir, the child or the devotee of God. अपना भक्त बनाई लिया। You made him your devotee. तो किसने खाया? So who accepted him? भगवान ने खाया। Did God accept him? भगवान के ऊपर चढ़ा। Was he offered to God? बाप कहते हैं, The father says, कि आदम खोर ना बनो, Don't become cannibals. ये तो बाद में अंग्रेज सरकार ने आकर के बंद करवाई दिया। Later on, the British government came and banned it. बाप कहते हैं, कहां पर तो तुम वो गोल्डन एज में ऊंचे थे, ऊंचे थे। The father says, You are the highest of the high in the golden age. कहां अब आयरन एज में आकर के नीच से नीचे बन पड़े। And now you have become the lowest of the low in the iron age. मनुष्य बैठ मनुष्यों को ही खा जाते हैं। Human beings sit and eat human beings alone. आयरन एज में कुछ पता ही नहीं चलता है। They don't understand anything in the iron age at all. ये भक्ति मार्ग की बातें बैठ बाप से समझे, तब ही समझें कि ज्ञान किसको कहा जाता है। When you sit and understand these topics of the path of bhakti from the father, it is only then that you understand what is called knowledge. नहीं समझते हैं? If you don't understand it, तो 100% भैंस बुद्धि है। You are the one with a 100% buffalo-like intellect. ज्ञान तो भगवान का दिया हुआ है या हमारा ज्ञान है? Is the knowledge given by God or is it our own knowledge? भगवान का दिया हुआ ज्ञान
अपने स्वार्थ के लिए यूज कर लिया, अपना पिट्ठू बना लिया। इफ यू यूज द नॉलेज गिवन बाय गॉड फॉर योर सेल्फिश मोटिव्स एंड मेक हिम योर फॉलोवर, तो भगवान के ऊपर अर्पण होगा या हमारी बातों के ऊपर अर्पण होगा? विल ही बी डिवोटेड टू गॉड और टू व्हाट यू से? इतना समझाते हैं, ही एक्सप्लेन सो मच, फिर भी एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। इवन देन यू टर्न अ डेफ ईयर टू इट। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों को भी क्रिमिनलाइज बन जाती है। द वेरी गुड चिल्ड्रन ऑफ वेरी गुड सेंटर्स ऑल्सो हैव अ क्रिमिनल लाइफ। ज्ञान सुनाकर बनाना है सिविलाइज। दे शुड नरेट द नॉलेज एंड मेक अदर्स सिविलाइज। परंतु क्या बनाए देते हैं? बट व्हाट डू दे मेक देम? क्रिमिनलाइज बनाए देते हैं। दे मेक देम क्रिमिनलाइज। नफा नुकसान, बाप की इज्जत की परवाह थोड़े ही रखते हैं। दे डोंट केयर अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द ऑनर ऑफ द फादर एट ऑल। कोई को ज्ञान सुनाया, ज्ञान सुनाकर अपना बनाई लिया। दे नरेट नॉलेज टू समवन एंड मेक देम देयर्स। आगे चल के माया की बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई। लेटर व्हेन वेरी बिग एग्जामिनेशंस ऑफ माया कम अप, तो घबरा करके जिसो ज्ञान सुनाकर अपना बनाई लिया उसी के साथ शादी करके बैठ जाते। दे बिकम कंफ्यूज एंड मैरी द वेरी पर्सन हुम दे हैड नरेटेड द नॉलेज टू एंड मेड देम दे ओन। तो बाप का नाम बाला होगा या बदनाम होगा? विल द फादर बी ऑनर्ड और डिसग्रेस्ड? कुछ भी नफा नुकसान की इज्जत नहीं रखते। दे डोंट कीप द ऑनर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एट ऑल। मूल बात है ही क्रिमिनल आई की। द मेन थिंग इज अबाउट द क्रिमिनल आई इटसेल्फ। बाप कहते हैं, द फादर सेज, ये काम महाशत्रु है। दिस लस्ट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। इनको जीतने के लिए कितना माथा मारना पड़ता है। मूल बात है ही पवित्रता की। इस पवित्रता की बात पर ही शुरुआत से कितने झगड़े होते आए हैं। यू नीड टू मेक सो मच एफर्ट टू गेन विक्ट्री ओवर इट। द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर इज प्यूरिटी। फ्रॉम द बिगिनिंग देर हैव बीन सो मेनी डिस्प्यूट्स ऑन द टॉपिक ऑफ प्यूरिटी इटसेल्फ। इस काम विकार पर जीत प्राप्त करके जगत जीत बनना है। यू हैव टू बिकम विक्टोरियस ओवर द वर्ल्ड बाय गेनिंग विक्ट्री ओवर दिस स्पाइस ऑफ लस्ट। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना? डेटीज आर कम्प्लीटली वाइसलेस, आरंट दे? आगे चल के तो सब समझ ही जावेंगे। लेटर ऑन एवरीवन विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। परंतु अभी जो इतना समझाने पर नहीं समझ रहे हैं। बट दोज हु आरंट अंडरस्टैंडिंग नाउ डिस्पाइट एक्सप्लेनिंग सो मच। तो पद तो नीचा हो जाएगा ना? देयर पोजिशन विल सर्टनली डिग्रेड, वोंट इट? बाप तो जानते हैं। द फादर डज नो कि नई दुनिया की स्थापना तो हो ही जाएगी। दैट द न्यू वर्ल्ड विल डेफिनेटली बी एस्टेब्लिश्ड। अच्छा अच्छा, मात पिता बाप दादा का बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रिमेम्बरेंस लव एंड गुड मॉर्निंग ऑफ द मदर फादर एंड बाप दादा टू द चिल्ड्रन। नमस्ते टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। एक छोटा सा रात्रि क्लास है, 1868 का। देयर इज अ स्मॉल नाइट क्लास ऑफ द 1868। बच्चों की बुद्धि में अनेक प्रकार के पॉइंट्स रहते हैं। चिल्ड्रन हैव मेनी काइंड्स ऑफ पॉइंट्स इन देयर इंटेलेक्ट। षष्ठी के आज मध्यंत को तुम बच्चे जान गए हो। यू चिल्ड्रन हैव नोन द बिगनिंग मिडिल एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये समझाए सकते हो
यू कैन एक्सप्लेन इट टू देम कि हम परमपिता परमात्मा के जीवन चरित्र या बायोग्राफी को जानते हैं. वी नो द लाइफ स्टोरी और द बायोग्राफी ऑफ द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल. इस संबंध में कोई क्या समझावेंगे कोई क्या समझावेंगे. पीपल गिव डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट. कोई तो फिर नहीं समझा पाते हैं. सम आरंट एबल टू एक्सप्लेन इट. जैसे बेसिक में कितना समझाया. जस्ट एज दे एक्सप्लेन्ड अ लॉट इन द बेसिक नॉलेज. परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है. दैट द सुप्रीम सोल इजंट ओमनीप्रेजेंट. परंतु जिन्होंने समझाया. हाउएवर दोज हू एक्सप्लेन्ड इट उन्होंने तो जान ही नहीं पाया कि एक व्यापी कहाँ है. कुडंट नो एट ऑल विच वन ही इज प्रेजेंट इन. तो उनको समझा हुआ कहेंगे या बेसमझ कहेंगे. सो विल दे बी कॉल्ड इंटेलिजेंट और फूलिश. फिर ऐसी एक्ट करने लग पड़ते हैं. देन दे स्टार्ट परफॉर्मिंग सच एक्शंस कि भगवान सर्वव्यापी का सर्वव्यापी ही रह जाता है. दैट गॉड जस्ट रिमेन्स ओनली प्रेजेंट. मतलब बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते हैं. ऑल्दो दे ऑर्गेनाइज वेरी बिग मेगा प्रोग्राम्स. बड़े बड़े पोस्टर छपाते हैं. एंड प्रिंट वेरी बिग पोस्टर्स. उनमें त्रिमूर्ति में फिर अपने ही चित्र छापने लग पड़ते हैं. दे स्टार्ट प्रिंटिंग देयर ओन फोटोज इन द पिक्चर ऑफ त्रिमूर्ति. तो सर्वव्यापी हुआ या एक व्यापी हुआ. सो इज ही ओमनी प्रेजेंट और प्रेजेंट इन वन. लोग तो कहेंगे कि भगवान सर्वव्यापी है. People will certainly say that God is omnipresent. अब सर्वव्यापी बाप का होना ये कोई बाप की बायोग्राफी थोड़ी हुई. Well, to say that God is omnipresent isn't the biography of the father at all. बायोग्राफी जीवन कहानी में तो. In a biography. हर एक की जीवन कहानी में कुछ न कुछ विशेषता होती है. देयर इज सम और द अदर स्पेशलिटी इन एवरीवन्स लाइफ स्टोरी. एक की जीवन कहानी न मिले दूसरे से. द लाइफ स्टोरी ऑफ वन पर्सन डजंट मैच विद दैट ऑफ अनदर. जैसे नेहरू की बायोग्राफी कोई कोई पूछे. जस्ट एज इफ समवन आस्क्स अबाउट द बायोग्राफी ऑफ नेहरू. और फिर कहे कि नेहरू सर्वव्यापी है. एंड सेज ही इज ओमनीप्रेजेंट. तो फिर बायोग्राफी तो नहीं हुई. दैट इजंट हिज बायोग्राफी. नटसेल में भी कोई को समझा सकते हैं. यू कैन एक्सप्लेन इट टू समवन इवन इन अ नटसेल. बता सकते हैं कि ऊंचे ऊंचे भगवान है. यू कैन टेल देम गॉड इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई. जिसको ही परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है. हु इज कॉल्ड द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल शिव. ऊंचते ऊंच और नीचते नीच किस आधार पर कहा जाता है. वॉट इज द बेसिस ऑफ कॉलिंग समवन द हाईएस्ट ऑफ द हाई एंड द लोवेस्ट ऑफ द लो. ऊंचते ऊंच काम करके दिखावे तो ऊंचते ऊंच. इफ समवन प्रूव्स हिमसेल्फ बाय परफॉर्मिंग द हाईएस्ट ऑफ द हाई टास्क He is the highest of the high. नीचे काम करके दिखावे तो नीचे ते नीच. If he proves himself by performing the lowest task, he is the lowest. भगवान तो इतना ऊंच काम करके दिखाता है. God performs such a high task. जितना ऊंचा काम दुनिया का कोई भी धर्म पिता नहीं कर सकता. Which no other religious father of the world can perform. कोई भी महात्मा नहीं कर सकता. धर्मात्मा नहीं कर सकता. कोई भी पुण्यात्मा नहीं कर सकता. नो ग्रेट सोल रिलीजियस सोल और नोबल सोल कैन परफॉर्म सच अ टास्क. क्या करता है. व्हाट डज ही डू. नरक को स्वर्ग बनाई देता है. ही ट्रांसफॉर्म्स हेल इनटू हेवन. पुरानी तामसी दुनिया को पतित दुनिया को सतो प्रधान सतयुग बनाई देता है. He transforms the old tamasi impure world into satupradhan golden age. ये है ऊंचे ऊंचे काम. This is the highest of the high task.
उसको फिर परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। He is called the Supreme Father, Supreme Soul, Shiv. तो कोई भी आबे तो बैठ बताओ। If someone comes, sit and explain it to them. कैसे ऊंचते ऊंच बाप की बायोग्राफी को हम जानते हैं। We know the biography of such highest of the high father. दुनिया में तो उसको सर्वव्यापी कह देते हैं। They call him omnipresent in the world. सब में व्यापक है, तो फिर सब ऊंचे काम करके दिखावे। If he is present in everyone should prove themselves by performing an elevated task. परंतु ऐसा तो हो नहीं सकता। However, that isn't possible. ऊंचते ऊंचे बाप, फिर उनके बाद है लक्ष्मी नारायण, उनके भी 84 जन्मों को हम समझा सकते हैं। The father is the highest of the high. Then after him are Lakshmi Narayan. We can explain the 84 births too. फिर राम सीता, उनकी भी बायोग्राफी बता सकते हैं। We can also narrate the biography of Ram and Sita. ये बातें दुनिया नहीं जानती है। The world doesn't know these facts. राजाओं आदि की हिस्ट्री तो बहुत जानते हैं। Many people know the history of the kings and so on. कोई पूछे, If anyone asks, प्रजापिता ब्रह्मा जिसको एडम कहते हैं, उनको जानते हो? Do you know Prajapita Brahma, who is called Adam? तुम तो कहेंगे हम तो उनकी जीवन कहानी को बता सकते हैं। You will reply, we can narrate their biography. So be. उनके एक जन्म की जीवन कहानी नहीं, कितने? 84 जन्म की जीवन कहानी को बता सकते हैं। That too, not just the life story of his one birth, of how many births? We can tell you the life story of his 84 births. काली का भी बता सकते हैं। We can even tell you the life story of Kali. बताओ। Tell them. कि जगदम्बा और काली है एक ही। जगदम्बा एंड काली आर द सेम पर्सनैलिटी। तुम तो उन सभी की बायोग्राफी को जानते हो। You do know the biography of all of them. सभी 84 जन्म लेने वाले हैं। All of them have 84 births. 84 लाख जन्म तो होते नहीं है। There aren't 84 lakh births at all. 84 लाख योनियां होती हैं। In fact, there are 84 lakh species. सतयुग आज से लेकर के कलयुग अंत तक। From the beginning of the golden age till the end of the iron age. परंतु मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती है। But a human soul doesn't have birth in the 84 lakh species. हाँ, 84 लाख योनियों जैसे कर्म करती है। Yes, they perform actions like the 84 lakh species. परंतु सूरत उन जैसी नहीं होती है, बंदर जैसी सीरत हो सकती है। However, they don't have faces like them. They can have the nature that is सीरत like a monkey. परंतु सूरत तो मनुष्य की ही कहेंगे। तो बताओ। But their face will be said to be that of a human itself. So tell them. कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को भी हम जानते हैं। We know the biography of even the Trimurti, that is Brahma, Vishnu and Shankar. So भी न सिर्फ एक जन्म की, that too, not just of one birth, बल्कि उनके 84 जन्मों की बायोग्राफी को भी बता सकते हैं। But we can also narrate the biography of the 84 births. Kiski? Brahma ki, Vishnu ki, or Shankar ki. Achha? Whose
ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर. अच्छा फिर सवाल पैदा होता है. देन द क्वेश्चन अराइजेस कि ब्रह्मा जिसके 84 जन्मों की कहानी बता सकते हैं, दैट ब्रह्मा हू स्टोरी ऑफ 84 बर्थ्स यू कैन नरेट, वो एक ही होता है या अनेक होते हैं? इज ही जस्ट वन और मेनी? शास्त्रों में तो दिखाया है चतुरानन पंचानन. He is certainly shown in the scriptures as चतुरानन and पंचानन. पांच मुख होते हैं, चार मुख होते हैं. He has five heads or four heads. तो जब चार मुख होते हैं या पांच मुख होते हैं, सो वेन ही हैज फोर और फाइव फेसेस, संपन्न होने की यादगार शास्त्रों में लिखी हुई है. इट इज द यादगार ऑफ हिज कंप्लीट फॉर्म दैट हैज बीन रिटन इन द स्क्रिप्चर्स. कभी टीवी में ब्रह्मा को बोलते हुए सुना है? हैव यू एवर हर्ड ब्रह्मा स्पीकिंग ऑन द टेलीविजन? सुना है. हैव यू हर्ड? नहीं सुना. You haven't. चार मुख वाले ब्रह्मा को बोलते हुए नहीं सुना? Haven't you heard the four-headed Brahma speaking? सुना ना. You have, haven't you? एक जैसी बात बोलते हैं या चारों पांचों मुख अलग अलग बातें बोलते हैं? Do they speak the same thing or do the four to five heads speak different things? एक ही जैसी आवाज है और एक ही बातें बोलते हैं. दे हैव द सेम काइंड ऑफ वॉइस एंड स्पीक द सेम थिंग. ये संपन्न स्टेज की यादगार है या अधूरी स्टेज की यादगार है? इज इट द यादगार ऑफ द कंप्लीट स्टेज और द इनकम्प्लीट स्टेज? जब उनका संपन्न स्टेज का पुरुषार्थ संपन्न होता है, व्हेन द पुरुषार्थ ऑफ द कंप्लीट स्टेज इज अकम्प्लिश्ड, तो एक ही आवाज बोलते हैं. दे स्पीक इन वन वॉइस. ब्रह्मा सो क्या बनते हैं? विष्णु बनते हैं. वॉट डू दे बिकम फ्रॉम ब्रह्मा? दे बिकम विष्णु. विष्णु को भी चार भुजाएं दिखाते हैं, सर एक दिखाते हैं. विष्णु इज ऑल्सो शोन विथ फोर आर्म्स एंड वन हेड. इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स कि चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, वेदर इट इज ब्रह्मा और विष्णु, सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट नुधा हुआ है. द पार्ट ऑफ ऑल द सोल्स इज फिक्स्ड. एक का पार्ट न मिले दूसरे से. द पार्ट ऑफ वन सोल डजेंट मैच विथ अनदर. हाँ, जब संपन्न स्टेज होती है, यस व्हेन दे अटेन द कंप्लीट स्टेज, तो एक भाषा बोलते हैं. दे स्पीक द सेम लैंग्वेज. उनकी वाचा में भी क्रॉस नहीं हो सकता. इवन दे स्पीच कांट क्रॉस, दैट इज कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर. विष्णु की बायोग्राफी, द बायोग्राफी ऑफ विष्णु, हम जानते हैं कोई एक आत्मा तो विष्णु नहीं है. वी नो दैट विष्णु इज इंट अ सिंगल सोल. कितनी आत्माओं का संघात मिलकर के विष्णु दिखाया गया है? विष्णु हैज बीन शोन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी सोल्स? स्टूडेंट फोर. चार नहीं, चार तो भुजाएं हैं. नॉट फोर, देर आर फोर आर्म्स. भुजाएं जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है, नंबर वार या चैतन्य बुद्धि होती है. डू दोज आर्म्स हैव एन इनर्ट इंटेलेक्ट नंबर वाइज और डू दे हैव अ सेंटिएंट इंटेलेक्ट? भुजाएं चलने वाली है या चलाने वाली है? डू दोज हैंड्स रिमेन अंडर कंट्रोल और डू दे कंट्रोल? भुजाएं तो चलने वाली है, जरूर उनको चलाने वाला कोई एक है. They are controlled.
There is certainly someone soul who controls them. जो ऊंचे से ऊंचे भगवान है. Who is the highest of the high god? इसलिए शास्त्र में कह दिया है विष्णु भगवान. This is why it has been said in the scriptures, God Vishnu. शंकर भगवान. God Shankar. दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को भगवान नहीं कहते. ब्रह्मा विथ अ बियर्ड एंड मुस्टैच इजंट कॉल्ड गॉड. तो तुम तीनों देवताओं की बायोग्राफी को बता सकते हो. सो यू कैन टेल देम द बायोग्राफी ऑफ ऑल द थ्री डेटीज. उनमें भी जो विष्णु के पात्रधारी नंबर वार हैं या ब्रह्मा के रूप में जो मुख दिखाए गए हैं वो नंबर वार हैं, उनमें कोई फर्स्ट क्लास भी होंगे या नहीं होंगे? विल देयर ऑल्सो बी समवन हु इज फर्स्ट क्लास अमंग दोज हु प्ले द पार्ट ऑफ विष्णु नंबर वाइज और द हेड्स दैट हैव बीन शोन इन द फॉर्म ऑफ द नंबर वाइज ब्रह्मा और नॉट? है जो फर्स्ट नंबर है वो अर्जुन कहा जाता है. द वन हु इज एट द फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड अर्जुन. प्रजापिता ब्रह्मा अव्वल नंबर. प्रजापिता ब्रह्मा इज नंबर वन. विष्णु में भी जो चारों भुजाओं को चलाने वाला है वो अव्वल नंबर. इवन इन विष्णु द वन हु कंट्रोल्स ऑल द फोर आर्म्स इज नंबर वन. तो उनकी बायोग्राफी को भी हम जानते हैं. सो वी नो हिज बायोग्राफी एज वेल. मुख्य है भारत की बात. इट इज मेनली अबाउट भारत. क्या वॉट बायोग्राफी बताने में भी मुख्य कौन है? हु इज द चीफ इवन अमंग दोज हु नरेट द बायोग्राफी ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर? और देशवासी मुख्य नहीं है? द रेसिडेंट्स ऑफ द अदर कंट्रीज aren't चीफ. भारत मुख्य है. भारत इज द चीफ. क्यों? वाय? भारत में भगवान. क्योंकि चार ब्रह्मा में भगवान का मुकर्रर रूप साबित नहीं होता. स्टूडेंट गॉड कम्स इन भारत. इट इज बिकॉज द परमानेंट फॉर्म ऑफ गॉड इज इन प्रूव्ड इन द फोर ब्रह्मास. विष्णु के जो चार है प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माएं हैं उन सब में भगवान लक्षित नहीं होता. द फोर स्पेशल सोल्स हु रिवील विष्णु गॉड इजंट एविडेंट इन ऑल ऑफ देम. भगवान किस में प्रत्यक्ष होता है? मुकर्रर रूप से. इन हुम इज गॉड रिवील्ड इन अ परमानेंट फॉर्म? सिर्फ है? एक ही है. There is only one. जो ज्ञान के आधार पर मनुष्यों को समझाया जा सकता है. Who can be explained to the human beings on the basis of knowledge? कि ये मुकर्रर रथ है. He is the permanent chariot. औरों को ज्ञान के आधार पर नहीं समझाया जा सकता. Others can't be explained on the basis of knowledge. कोई कितना भी बोल जा रहे. नो मैटर हाउ मच समवन कीप्स सेइंग मैं भगवान हूँ. आई एम गॉड. मेरे अंदर भगवान आता है. गॉड कम्स इन मी. परंतु वह बात साबित नहीं हो सकती. बट इट कांट बी प्रूव. नाम भारत क्यों पड़ा? वाई वॉज ही नेम भारत? क्योंकि और जो आत्माएं हैं विष्णु के रूप में पार्टधारी हो ब्रह्मा के रूप में पार्टधारी हो अलग अलग रूप तो दिखाई है ना. स्टूडेंट द वन हु स्टेज एंगेज्ड इन स्प्रेडिंग द लाइट भा मीन्स लाइट.
इट इज बिकॉज द अदर सोल्स हु प्ले द पार्ट इन द फॉर्म ऑफ विष्णु एंड ब्रह्मा दे हैव सर्टेनली बीन शोन डिफरेंट फॉर्म्स हैवंट दे वो सदैव भारतात रोशनी ज्ञान की रोशनी में रत नहीं रहते हैं दे डोंट ऑलवेज स्टे एंगेज इन भा मीनिंग द लाइट ऑफ नॉलेज रत रहना माना लगे रहना रत मीन्स टू स्टे एंगेज्ड वो सिर्फ एक ही आत्मा है देर इज जस्ट वन सोल जो आज से लेकर के अंत तक ज्ञान की रोशनी में संलग्न रहती है हु स्टेज एनग्रोस्ड इन द लाइट ऑफ नॉलेज फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड इसलिए दिस इज वाई बाप भगवान भारत में ही आते हैं गॉड द फादर कम्स ओनली इन भारत बाप का प्रत्यक्ष रूप क्या है What is the manifested form of the father? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है Is the father of all the point-like souls the point of light visible or invisible? Student, he is invisible. बिंदी आत्माएं भी अप्रत्यक्ष है और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी अप्रत्यक्ष है द पॉइंट सोल्स एज वेल एज द फादर ऑफ द पॉइंट लाइक सोल्स इज इनविजिबल वो अप्रत्यक्ष बाप जब अपना धाम ऊंचते ऊंचे छोड़कर आता है वेन दैट इनविजिबल फादर लीव्स हिज हाईएस्ट ऑफ द हाई अबोर्ड जो परे से परे धाम परम धाम कहा जाता है विच इज कॉल्ड द हाइएस्ट अबोर्ड द सुप्रीम अबोर्ड किस रूप में प्रत्यक्ष होता है इन विच फॉर्म इज ही रिवील्ड लोग कैसे समझते हैं हाउ डू पीपल अंडरस्टैंड हिम क्या चीज है ज्ञान के आधार पर प्रत्यक्ष होता है वॉट इज द एविडेंस स्टूडेंट द नॉलेज ही इज रिवील्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज या यूं कहें ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप ही परमात्मा बाप है और इट कैन बी सेड दैट द सुप्रीम सोल फादर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज इटसेल्फ अगर ज्ञान न सुना दे If he doesn't narrate knowledge, चमत्कार दिखावे If he shows miracles, साक्षात्कार ही साक्षात्कार आता रहे And gives you visions and only visions, तो भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा Will God be revealed? ज्ञान से ही भगवान बाप की प्रत्यक्षता होती है God the Father is revealed only through knowledge. इसलिए This is why. ज्ञान की बड़ी भारी महिमा है नॉलेज इज हाईली प्रेस्ड ये पहला पहला बाप का वर्षा है दिस इज द फोरमोस्ट इनहेरिटेंस ऑफ द फादर अव्यक्त बाप का ये अव्यक्त वर्षा है दिस इज द सटल इनहेरिटेंस ऑफ द सटल फादर क्या वॉट ज्ञान नॉलेज जो जितना ज्ञान उठावेगा द मोर समवन अक्वायर्स द नॉलेज वो उतना बड़ा वर्षे का हकदार बनेगा ही विल बिकम राइटफुल टू दैट इनहेरिटेंस टू दैट एक्सटेंट प्रैक्टिकल में बड़े से बड़े वर्षे का हकदार बनेगा ही विल बिकम राइटफुल टू द हाईएस्ट ऑफ द हाई इनहेरिटेंस इन प्रैक्टिस वो ज्ञान स्वरूप बाप फिर किस में आवेगा इन हुम विल दैट फादर द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज कम जो ज्ञान को महत्व देगा उसमें आवेगा विल ही कम इन द वन हु गिव्स इम्पोर्टेंस टू द नॉलेज या जो उस बाप की प्रॉपर्टी बाप के उस रूप को महत्व ही नहीं देगा उसमें आवेगा और विल ही कम इन द वन हु डजंट गिव इम्पोर्टेंस टू द प्रॉपर्टी एंड दैट फॉर्म ऑफ द फादर एट ऑल तो भारत ही है
सो इट इज ओनली भारत जिसमें बाप आते हैं इन होम द फादर कम्स भारत में ही आकर के रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का राज बताते हैं ही कम्स इन भारत अलोन एंड टेल्स अस द सीक्रेट ऑफ द बिगनिंग मिडिल एंड द एंड ऑफ द क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन और धर्म कैसे आते हैं वो भी बाप समझा सकते हैं द फादर कैन ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द अदर रिलीजन्स कम इन टू एग्जिस्टेंस कैसे आते हैं हाउ डू दे कम इन टू एग्जिस्टेंस है और धर्मों की जो मुख्य आत्माएं हैं उन धर्मों के जो बीज बाप हैं उनमें क्यों नहीं आते हैं वाई डजंट ही कम इन द मेन सोल्स द सीड फादर्स ऑफ द अदर रिलीजन्स सतो प्रधान बनना न बनना ये भी तो ज्ञान की ग्रहण करने की शक्ति के ऊपर आधारित है ना स्टूडेंट इट इज बिकॉज दे नीदर बिकम मोर सतो प्रधान नॉट डू दे बिकम मोर तमो प्रधान टू बिकम सतो प्रधान और नॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ ग्रेस्पिंग द नॉलेज डजंट इट बाप जो नॉलेज देते हैं उस नॉलेज को बिना कुछ भी मिक्स किए अपनी मनमत या मनुष्य मत मिक्स किए बगैर ज्यों का क्यों उठाना टू टेक इन द नॉलेज दैट द फादर गिव्स एज इट इज विदाउट मिक्सिंग एनीथिंग इन इट विदाउट एडिंग देयर ओन ओपिनियन और द ओपिनियन ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स इन इट ये सब के बस की बात नहीं है Isn't in everyone's capacity. एक व्यक्ति की सुनी हुई बात दूसरा व्यक्ति जब सुनावेगा When a person narrates what he has heard from someone else, तो जरूर उसमें कुछ न कुछ मिक्स कर देगा He will certainly mix something or the other in it. कुमारता का दादी में ये शिफ्ट थी दादी कुमार का हैड दिस स्पेशलिटी कि ब्रह्मा के मुख से जो भी वाणी निकलती थी दैट वॉट एवर वाणी ब्रह्मा नरेटेड थ्रू हिज माउथ घंटे डेढ़ घंटे फॉर एन आवर और वन एंड हाफ आवर उस वाणी को शब्द सहज ज्यों का त्यों सुना देती थी शी यूज्ड टू नरेट दैट वाणी एज इट इज वर्ड बाय वर्ड फिर भी अंतर पड़ गया या नहीं पड़ गया स्टिल वॉज देयर अ डिफरेंस और नॉट स्टूडेंट देयर वॉज क्यों अंतर पड़ गया वाई डिड द डिफरेंस अराइज क्योंकि रिपीट तो टेप रिकॉर्ड भी कर देता है इट इज बिकॉज इवन अ टेप रिकॉर्डर रिपीट्स व्हाट इज प्लेड इन इट रिपीट करना कोई नॉलेज नहीं है टू रिपीट समथिंग इज इंट नॉलेज जो भी भगवान बाप नॉलेज सुनाते हैं उस नॉलेज के वाइब्रेशन को उस नॉलेज के भाव को ज्यों का त्यों पकड़ना और ज्यों का त्यों दूसरों को सुनाना समझाना ये एक जैसा सबका नहीं हो सकता वॉट एवर नॉलेज गॉड द फादर नरेट्स Not everyone can catch the vibrations and the meaning of it as it is. They can't narrate and explain it to others in the same way. तो और धर्म पिताएं भी ज्ञान ग्रहण करते हैं. So the other religious fathers also receive the knowledge. वो स्वयं ज्ञानी होते हैं या भगवान का ही ज्ञान ग्रहण करते हैं? Are they themselves knowledgeable or do they receive the very knowledge of God? क्या होता है What happens? Student,
दे रिसीव द वेरी नॉलेज ऑफ गॉड. भगवान जब संगम युग में आता है, व्हेन गॉड कम्स इन द कॉन्फ्लुएंस एज, तो भगवान का ही ज्ञान और धर्म पिताएं भी ग्रहण करते हैं. द अदर रिलीजियस फादर्स ऑल्सो रिसीव द वेरी नॉलेज ऑफ गॉड. आदम एडम या प्रजापिता भी ग्रहण करता है. आदम एडम और प्रजापिता ऑल्सो रिसीव्स इट. फिर अंतर क्या पड़ जाता है? देन व्हाट इज द डिफरेंस? है अंतर पड़ता है. द डिफरेंस दैट अराइजेज इज जो और धर्म पिताएं हैं वो अपन को आत्मा समझने की उतनी प्रैक्टिस नहीं करते. द अदर रिलीजियस फादर्स डोंट प्रैक्टिस कंसिडरिंग देमसेल्व्स एज अ सोल मच. आत्मिक स्थिति में रह करके भगवान बाप के ज्ञान को नहीं सुनते. दे डोंट लिसन टू द नॉलेज ऑफ गॉड द फादर बींग स्टेबल इन द सोल कॉन्शियस स्टेज. कुछ न कुछ देह का अहंकार रह जाता है. दे हैव बॉडीली ईगो टू सम और द अदर एक्सटेंट. इसलिए बाप बार बार दोहराते हैं. दिस इज वाई द फादर रिपीट्स इट टाइम एंड अगेन. क्या कहते हैं? व्हाट डज ही से? अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो. कंसिडर योर सेल्फ एज अ सोल एंड रिमेम्बर मी द फादर. नहीं तो वर्षे में बहुत अंतर पड़ जाएगा. अदरवाइज देर विल बी अ वास्ट डिफरेंस इन द इनहेरिटेंस यू रिसीव. तो और धर्म पिताएं कैसे आते हैं? सो हाउ डू द अदर रिलीजियस फादर्स कम? एक साथ आते हैं क्या? डू दे कम टूगेदर? नंबर वार एक के बाद एक क्यों आते हैं? वाई डू दे कम नंबर वाइज वन आफ्टर द अदर? दुनिया ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में उतरती रहती है. सतो प्रधान से तमो प्रधान स्टेज में उतरती रहती है. द वर्ल्ड कीप्स डिसेंडिंग टू अ लोअर स्टेज फ्रॉम हायर स्टेज. इट कीप्स डिसेंडिंग फ्रॉम द सतो प्रधान स्टेज टू द तमो प्रधान स्टेज. फिर उनका टाइम कैसे नूद हो जाता है आने का? Then, how is the time of the arrival fixed? हम ब्राह्मण भी पुरुषार्थ करते हैं. We Brahmins also make पुरुषार्थ. अच्छा पुरुषार्थ करते हैं. If we make good पुरुषार्थ, ज्ञान युक्त धारणा करते हैं जीवन में. If we do the धारणा according to the knowledge in our life, ज्ञान युक्त होकर के चलते हैं. If we act according to the knowledge, श्रीमत के अनुकूल अपना जीवन बनाते हैं. If we orient our life as per श्रीमत, तो हमें कौन से युग में विशेष प्राप्ति होती है? In which age do we receive special attainments? संगमयुगी स्वर्णिम युग से लेकर के सतयुग और त्रेता तक हमको अनवरत और प्राप्ति होती रहती है. फ्रॉम द गोल्डन कॉन्फ्लुएंस एज टू द गोल्डन एंड सिल्वर एज वी कीप रिसीविंग कंटिन्यूअस अटेनमेंट्स. और उसके आधार पर एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट 63 जन्म भी प्राप्ति होती है. वी रिसीव द अटेनमेंट्स फॉर 63 बर्थ्स एज वेल. और जो धर्म पिताएं हैं वो आत्मिक स्टेज की उस स्थिति को प्राप्त ही नहीं कर पाते. द अदर रिलीजियस फादर्स aren't एबल टू अटेन सच अ सोल कॉन्शियस स्टेज एट ऑल. जो ज्ञान का ईश्वरीय ज्ञान का मूल फाउंडेशन है, विच इज द फोरमोस्ट फाउंडेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड. वो धर्म पिताएं अभी ज्ञान में निकले होंगे या नहीं निकले होंगे? Would those religious fathers have come in the knowledge now or not? नहीं. वो धर्म पिता हैं जो परमधाम से डायरेक्ट द्वापर कलयुग में आते हैं. The religious fathers who come from the supreme abode directly in the copper and the iron age. हैं? आप नहीं अकेले नहीं बोलिए. Student, no.
The seed form souls. Don't answer alone. वो धर्म पिताएं अभी ईश्वरीय ज्ञान को पकड़ा होगा या नहीं पकड़ा होगा? Would those religious fathers have taken the knowledge of God now or not? इस दुनिया में है या नहीं है? दुनिया में तो है. Are they present in this world or not? They are certainly present in the world. लेकिन ईश्वरीय ज्ञान की बातें अभी पकड़ ले ये नहीं हो सकता. But this isn't possible that they grasp the knowledge of God now. क्योंकि जो जितना देह अहंकारी होगा, it is because the more bodily ego someone has, उतना ज्ञान की बातों से दूर रहेगा. The farther he will stay from the topics of knowledge. अंदर एक और बाहर दूसरा, ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता. The one who is something from within and something else from outside can't come near me. है तो नंबर वार. They are certainly number wise. तो वो धर्म पिताएं आगे पीछे कैसे आते हैं? So how do those religious fathers come sooner or later? धारणा के आधार पर आते हैं. They come on the basis of धारणा. त्रिमूर्ति और गोला समझाने के लिए बहुत अच्छा है. The pictures of the त्रिमूर्ति and the world drama wheel are very good to explain. क्या समझाने के लिए? To explain what? है दूसरे दूसरे धर्मों की बात अगर समझानी है. If you want to explain the concepts of the other religions, तो कौन कौन से चित्रों पर अच्छी तरह समझा सकते हैं? On which pictures can you explain well? गोले के चित्र पर और झाड़ के चित्र पर समझा सकते हैं. You can explain on the pictures of the world drama wheel and the kalpa tree. बता सकते हैं कि आधा कल्प तो है एक धर्म. You can tell them there is one religion for half the cycle. बाकी आधा कल्प में अनेक धर्मों का आवर्तन होता है. And many religions emerge in the other half of the cycle. इसलिए उसको कहते हैं द्वापर. This is where it is called the copper age. द्वैतवादीपुर. The dualistic age. इन बातों का सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को पता नहीं है. The human beings of the entire world don't know these concepts. क्रिश्चियन जो होंगे इन बातों को न जानने के कारण, The Christians, because of not knowing these concepts, भले उनको सुनाया हो, although you would have narrated it to them, तो भी विश्वास करेंगे? Will they believe it? विश्वास ही नहीं करेंगे. They won't believe it at all. वो क्राइस्ट का बाइबल ही सुनाते जा देंगे. They will just keep narrating the Bible of Christ. और क्या सुना देंगे? What else will they narrate? परंतु तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारी बातें हैं. But you children have all the concepts in your intellect. तुम समझा सकते हो? You can explain to them. कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं. We know the beginning, the middle and the end of the creator and the creation. इसलिए हम आस्तिक हैं. This is why we are theists. हम आस्थावान किस लिए हैं? Why are we theists? हम जिसके ऊपर आस्था रखते हैं उसकी बायोग्राफी को हम जानते हैं. We know the biography of the one whom we have faith in. इसलिए हम आस्तिक हैं. So we are theists. दुनिया में जो भगवान बाप को नहीं जानते हैं तो वो उसकी बायोग्राफी को भी नहीं बता सकते हैं.
Those who don't know God the Father in the world, they can't narrate his biography either. मोस्टली तो यही बता देंगे भगवान सर्वव्यापी है. मोस्ट ऑफ देम विल जस्ट से गॉड इज ओमनी प्रेजेंट. सर्वव्यापी है तो बायोग्राफी जीवन कहानी की बात खत्म हो जाती है. इफ ही इज ओमनी प्रेजेंट देर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग अ बायोग्राफी. तो दुनिया में तो कोई नहीं जानते हैं. सो नो वन इन द वर्ल्ड नोज इट. ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो. You can explain it this way. भाषण में भी लिख सकते हो. You can also add it in your speech. जो ऋषि मुनि थे वो परमात्मा को और उनकी रचना के आदिमद्यंत को नहीं जानते थे. The sages and saints didn't know the supreme soul as well as the beginning, the middle and the end of his creation. इतने बड़े बड़े विद्वान पंडिताचार्य ही नहीं जानते थे. परंतु देखो वंडर है कि तुम बच्चे जानते हो. सच ग्रेट स्कॉलर्स पंडित्स एंड टीचर्स देमसेल्व्स डिडंट नो दैट बट लुक इट इज अमेजिंग दैट यू चिल्ड्रन नो इट. जो जानता होगा वो दूसरों को समझा सकता है या नहीं समझा सकता है. द वन हु नोज इट कैन ही एक्सप्लेन इट टू अदर्स और नॉट. जो जानता होगा उसकी पहचान होगी कि वो दूसरों को भी समझा सकता है. द रिकॉग्निशन ऑफ द वन हु नोज इज दैट ही कैन एक्सप्लेन इट टू अदर्स एज वेल. आज से 5000 वर्ष पहले उन देवी देवताओं का राज्य था. द किंगडम ऑफ दोज डेटीज एग्जिस्टेड 5000 ईयर्स अगो. ये बात हम समझा सकते हैं. वी कैन एक्सप्लेन दिस क्योंकि देवी देवताएं जो होते हैं वो स्वर्ग में होते हैं. इट इज बिकॉज द डेटीज आर प्रेजेंट इन हेवन. स्वर्ग में सुख होता है या दुख भी होता है. इज देयर हैप्पीनेस और इवन सोरो इन हेवन. स्वर्ग में सुख होता है, सुख ही सुख होता है. देयर इज हैप्पीनेस एंड ओनली हैप्पीनेस इन हेवन. दुख का नाम निशान नहीं होता है. देयर इज नो नेम और ट्रेस ऑफ सोरो. इसलिए स्वर्ग में कोई भी दिन नहीं गिनता. दिस इज वाई नो वन काउंट्स डेज इन हेवन. समय की काउंटिंग वहां होती है. इज द टाइम कैलकुलेटेड देयर. नहीं होती है. इट इजंट. सुख में टाइम जल्दी बीत जाता है या देर में बीतता है. डज टाइम पास अवे क्विकली इन हैप्पीनेस और डज इट पास स्लोली. ये नियम है. इट इज अ फैक्ट कि सुख में टाइम का पता ही नहीं चलता. दैट नो वन कम्स टू नो ऑफ द टाइम इन हैप्पीनेस. और दुख का टाइम एक एक दिन गिन करके टाइम की गिनती करनी पड़ती है. एंड इन सोरो टाइम इज कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग ईच एंड एवरी डे. तो बात स्पष्ट है. सो इट इज क्लियर. जिस दुनिया में समय की गिनती करनी पड़ती है उसकी हिस्ट्री बनाई जाती है. दैट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वेयर टाइम इज कैलकुलेटेड इज रिटन. मनुष्यों की इस द्वैतवादी दुनिया में इन दिस ड्यूअलिस्टिक वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स 2500 वर्ष की हिस्ट्री मिलती है. ओनली द हिस्ट्री ऑफ 2500 ईयर्स इज अवेलेबल. उस 2500 वर्ष में दो दो मते फैलाने वाले दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आए. द अदर रिलीजियस फादर्स हु स्प्रेड टू ओपिनियंस केम इन दोस 2500 ईयर्स. और जब परिवार में ही समझो दो मते हो जाएं, तो झगड़ा होगा कि नहीं. एंड इफ देर आर टू ओपिनियंस इन अ फैमिली इटसेल्फ विल देर बी अ क्वारल और नॉट. झगड़ा जरूर होता है. देर विल सर्टनली बी अ क्वारल. तो ये द्वैतवादी दुनिया द्वापर युग है. सो इट इज द कॉपरिश द वर्ल्ड ऑफ ड्यूअलिटी.
जहां से दुनिया में झगड़े फसाद मारामारी होती आई है। फ्रॉम वेयर क्वारल्स डिस्प्यूट्स एंड रायट्स हैव बीन टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड। ये दुख की दुनिया है। इट इज द वर्ल्ड ऑफ सोरो। जहां मनुष्यों ने एक एक दिन काउंट करके जीवन बिताया है। वेयर द ह्यूमन बींग्स हैव काउंटेड ईच डे एंड स्पेंड देयर लाइफ। एक जीवन नहीं अनेक जन्म बिताए हैं। नॉट जस्ट वन बर्थ दे हैव स्पेंट मेनी बर्थ्स इन दिस वे। नहीं तो पूर्व जन्म का किसी को याद नहीं रहता है। अदरवाइज नो वन रिमेम्बर्स देयर पास्ट बर्थ्स। फिर भी नेवरदलेस कितने वर्ष की हिस्ट्री है मनुष्यों के पास मौजूद है। द हिस्ट्री ऑफ हाउ मेनी इयर्स इज अवेलेबल विद द ह्यूमन बींग्स। है 2500 साल की हिस्ट्री नंबरवार प्रूफ और प्रमाण के साथ मनुष्यों के पास मौजूद है। द हिस्ट्री ऑफ 2500 ईयर्स विथ नंबर वाइज प्रूफ एंड एविडेंसेस इज अवेलेबल विद द ह्यूमन बींग्स। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई इस बात का प्रमाण है। द एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदड़ो हड़प्पा आर द प्रूफ ऑफ इट। मेसोपोटामिया शहर की खुदाई इस बात का प्रमाण है। द एक्सकवेशन ऑफ द सिटी ऑफ मेसोपोटामिया आर द प्रूफ। 2500 से पुरानी कोई भी चीज वहां नहीं मिली। दैट नथिंग ओल्डर देन 2500 ईयर्स वॉज फाउंड देयर। भारत के शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। इट इज ऑल्सो रिटन इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया कि भगवान आज से 2500 साल पहले वो 5000 साल पहले God had come 5000 years ago. कौन से युग के अंत में आया था? He had come at the end of which age? है? द्वापर के अंत में आया था। He had come at the end of the copper age. और महाभारी महाभारत युद्ध कराया था? And waged the massive war of Mahabharat. महाभारत युद्ध कराने के बाद आफ्टर द वॉर ऑफ महाभारत सुख की दुनिया आनी चाहिए या दुख की दुनिया आनी चाहिए? शुड द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस और द वर्ल्ड ऑफ सोरो अराइव। है सुख की दुनिया आनी चाहिए तो भगवान के आने का महत्व है। द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस शुड अराइव देन देयर इज द वैल्यू ऑफ द अराइवल ऑफ गॉड। परंतु द्वापर के अंत में भगवान आया कृष्ण भगवान के रूप में और पापी कलयुग की स्थापना हो गई। बट गॉड केम इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्ण एट द एंड ऑफ द कॉपर एज एंड द सिंफुल आयन एज वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो पाप की दुनिया में दुख होगा या सुख होगा? सो विल देयर बी सोरो और हैप्पीनेस इन द सिंफुल वर्ल्ड? दुख ही दुख होता है। देयर इज सोरो एंड ओनली सोरो। तो ये शास्त्रों की थ्योरी ठहरती नहीं है। सो दिस थ्योरी ऑफ द स्क्रिप्चर्स डजंट प्रूव करेक्ट। अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बात हो गई। इट इज ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन। इसलिए बाप कहते हैं दिस इज व्हाई द फादर सेज ये समय की जो गणना है हिस्ट्री के अनुसार वो मनुष्यों के पास सिर्फ 2500 साल की है। According to history, people just have the records of 2500 years. 5000 वर्ष पहले की बात को जो उन्होंने गणना करके दिखाया है वो शास्त्रों की कपोल कल्पित बातें हैं। The calculation that they have mentioned about whatever took place 5000 years ago is just an imaginary idea of the scriptures. वो पुराण पंथी है। इट इज द स्टोरी ऑफ द पुराणास। वो कोई हिस्ट्री नहीं है। इट इज एन हिस्ट्री। उसका कोई भी प्रूफ मनुष्यों के पास नहीं है। ह्यूमन बींग्स डोंट हैव एनी प्रूफ फॉर इट। सच्चाई ये है
कि जो 2500 वर्ष की हिस्ट्री प्रूफ सहित मनुष्यों के पास मिल रही है. द ट्रूथ इज दैट द हिस्ट्री ऑफ 2500 ईयर्स विच इज अवेलेबल विद ह्यूमन बींग्स विद प्रूफ, वो दुख की दुनिया की हिस्ट्री है. इज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सोरो, और दुख और सुख, सोरो एंड हैप्पीनेस. दुख होता है कुमति से. सोरो अराइजेस बिकॉज ऑफ बैड इंटेलेक्ट, दैट इज कुमति. कौन सी मति से? बिकॉज ऑफ व्हाट काइंड ऑफ इंटेलेक्ट, दैट इज मति. कुमति से, बैड इंटेलेक्ट, कुमति. और सुख होता है सुमति से. एंड हैप्पीनेस अराइजेस बिकॉज ऑफ गुड इंटेलेक्ट, दैट इज सुमति. है तो शास्त्रों में भी लिख दिया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना. इट इज ऑल्सो रिटन इन द स्क्रिप्चर्स, वेयर देर इज विजडम देर इज प्रोस्पेरिटी, एंड वेयर देर इज स्टुपिडिटी मिसफॉर्चून प्रिवेल्स देयर. सुमति देने वाला कौन है? हु इज द वन हु गिव्स सुमति? सो कोई को पता ही नहीं है. नो वन नोज दैट एट ऑल. बुद्धिमानों की बुद्धि एक ही परमपिता परमात्मा है. ओनली वन सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल इज द इंटेलेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंट वंस. जिसकी बुद्धि कभी भी भ्रष्ट नहीं होती. हुज इंटेलेक्ट नेवर बिकम्स करप्ट. मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आते आते, देह के सुख भोगते भोगते, मन बुद्धि रूपी आत्मा को नीचे गिराए देते हैं या बचे रहते हैं? डू द ह्यूमन बींग्स डिग्रेड देयर माइंड एंड इंटेलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सोल व्हाइल कमिंग इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ व्हाइल एक्सपीरियंसिंग द बॉडीली प्लेजर्स, और डू दे रिमेन सेफ? नीचे ही गिराते चले जाते. दे जस्ट कीप डिग्रेडिंग इट. एक ही आत्मा ऐसी है मनुष्यों के बीच में पार्ट बजाने वाली. देर इज ओनली वन सच सोल हु प्लेज हिज पार्ट अमंग द ह्यूमन बींग्स. जो कभी भी नीचे नहीं गिरती है. हु नेवर डिग्रेड्स. जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है. गर्भ से जन्म नहीं लेती है. हु डजंट कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड इजंट बॉर्न थ्रू द वूम ऑफ अ मदर. ये उसी आत्मा का कमाल है जो आकर के इस सृष्टि पर स्वर्ग स्थापन करती है. इट इज द मिरेकल ऑफ दैट वेरी सोल हु कम्स टू दिस वर्ल्ड एंड एस्टैब्लिशेस हेवन. जरूर सदाकाल स्वस्थिति में रहने वाली आत्मा होगी. ही विल डेफिनेटली बी द सोल हु स्टेज इन द स्टेज ऑफ द सेल्फ फॉर एवर. नहीं तो देवताएं भी स्वस्थिति में रहते हैं. अदरवाइज द डेटीज ऑल्सो स्टे इन द स्टेज ऑफ द सेल्फ. परंतु क्या सदाकाल स्वस्थिति में रहते हैं? बट डू दे स्टे इन दैट स्टेज फॉर एवर? 2500 साल के बाद, आफ्टर 2500 ईयर्स, उनकी स्वस्थिति परिस्थिति में फंस जाती है. देयर स्टेज ऑफ द सेल्फ इज एंटेंगल्ड इन सर्कमस्टेंसेस, दैट इज परिस्थिति. सदाकाल स्वस्थिति में नहीं रहते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा शिव जो तुरीय आत्मा है, दे डोंट स्टे इन द स्टेज ऑफ द सेल्फ फॉर एवर. हाउएवर द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल शिव हु इज अ यूनिक सोल, सदा शिव कहा जाता है, हु इज कॉल्ड सदा शिव, वो सदैव ही स्वयं स्थिति में रहने वाला है. ही रिमेन्स इन द स्टेज ऑफ द सेल्फ फॉर एवर. ओम शांति.